जोक में अब दोनों गंधार लगते हैं। देखिए, सागमा पानी पमग साग ने सा, इसका मतलब अगर मेरे को जोक को, मेरे को अन्य तीन राग जिनका मैंने नाम लिया खमाज तिलंग बिहाग, इनसे अलग करना है तो मेरे को कोमल गंधार का प्रयोग करते रहना पड़ेगा, नहीं तो इन तीन रागों की छाया आती रहेगी। तो देखिए, सागमा पानी पमा पमा ग सा ग न ग सा ग ग सा नि प नि सा प म ग प नि प म प सा नि सा प नि म प ग म सा ग सा नि प म प सा प नि म म प ग ग म सा नि प म प सा नि सा प नि म प ग म सा ग सा नि प सा ग सा नि प सा ग सा नि प सा ग म प नि सा नि प ग म ग गामा पधा नी द पधा मा गामा पानी सानी पगामा गए सामा गा पामा पगामा गा सा। अभी मैंने दोस्तों चार रागों की कुछ विशेष स्वर संगतियां गई, लेकिन एक के बाद एक राग बदलती गई, आपको पता नहीं चल पाया। कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी थी, इसलिए ये एक तारतम्यता, एक कंटिन्यूटी बन पाई इन स्वर संगतियों में। सिमिलैरिटी है तो उसको अलग कैसे करें, मतलब एक राग को दूसरे राग से बचाएं कैसे, आइए सीखते हैं। नीरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही, मैं कहूँगा, प्रैक्टिकल क्रियात्मक टॉपिक मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा दोस्तों, एक राग को दूसरे राग से बचाएं कैसे। देखिए, हम सब जानते हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में अनगिनत राग हैं। कोई भी संगीतकार निश्चित रूप से ये कह नहीं सकता, स्पेसिफिक रूप से न्यूमेरिकल नहीं बता सकता कि इतने राग हैं। हाँ, मैथमेटिकली प्रत्येक थाट से 484 राग निकलते हैं, मतलब 10 थाट से 4840 राग निकल जाएंगे मैथमेटिकली गणित अनुसार। लेकिन अगर मैं चलन भी देखूं, वादी संवादी का भी लियाऊं मैं रोल, और विशेष स्वर संगतियां भी लियाऊं, तो अनगिनत राग बनते हैं। तो कुछ तो राग ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिलते होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो 12 स्वर ही हैं अपने पास, तो उस राग को बचाएं कैसे, वो उदाहरण सहित तीन गजब के एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रखूँगा। और तीन शस्त्र, भाई हम लड़ने जाते हैं तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र होते हैं कि नहीं दोस्तों, तो तीन आपको मैं ऐसे मूल मंत्र देने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, जिससे आप अन्य राग में प्रवेश होने से बच सकते हैं। संप्रकृतिक राग हम जिसको कहते हैं, जिससे हम आविर्भाव और तिरोभाव की क्रिया करते हैं। आपने मेरे आविर्भाव तिरोभाव का लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो देख लीजिएगा। इससे पहले 114वां लेक्चर जो मैंने वादी स्वर पर बनाया था वो भी ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको चार राग का एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम दोस्तों आज चार राग लेते हुए चलेंगे, ठीक है। उससे मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि राग में एक जैसे स्वर होते हुए भी हम इनको अलग कैसे कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा, स्वर के आधार पर राग को अलग करना। फिर मैं आपको बताऊंगा वादी संवादी के आधार पर राग को अलग करना। फिर तीसरा बताऊंगा विशेष स्वर संगति से राग को अलग करना। तो चार मैं राग लेता हूँ। सर्वप्रथम मैंने स्टार्टिंग में जो नोटेशन गई, ग ग स नि प नि सा प म ग प नि प म प स नि सा प नि म प ग म सा ग सा, ये है राग जोग। अब राग जोग के स्वर क्या हैं, सा ग म प, सिर्फ इन स्वरों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी, सा ग म प। अब यही स्वर राग तिलंग एक, हर एक राग पे आपको मैं लेक्चर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ टेक्निक सीख लिया आप। एक राग है तिलंग, वो भी ऐसे ही है सा ग म प। एक राग है बिहाग, वो भी ऐसे ही है सा ग म प। एक राग है खमाज, वो भी ऐसे ही है सा ग म प। अब साहब इनको अलग कैसे करें, तो पहला आधार क्या है मेरा, स्वर। इसका मतलब पहली राग क्या है मेरी, जोग। जोग में अब दोनों गंधार लगते हैं। देखिए, सा ग म प नि प म ग सा ग न सा, इसका मतलब अगर मेरे को जोग को, मेरे को अन्य तीन राग जिनका मैंने नाम लिया खमाज तिलंग बिहाग,
इनसे अलग करना है तो मेरे को कोमल गंधार का प्रयोग करते रहना पड़ेगा, नहीं तो इन तीन रागों की छाया आती रहेगी। तो देखिए, सा ग म प नी प म प म ग स ग न ग सा। तभी देखिए आप किन्हीं किस भी कलाकार की आप जोक सुनिए, कोमल गंधार को बार बार रिपीट करता रहेगा ताकि अन्य राग की छाया ना आए। ठीक है, आप देखो तिलंग, सा ग म प नी प ग म ग ग म प नी सा नी प ग म ग। तिलंग में दोनों निषाद लगते हैं, तिलंग का आरोह अवरोह क्या है, सा ग म प नी सा नी प म ग सा। ठीक है, दोनों निषाद का प्रयोग है इसमें, जबकि जोग में दोनों गंधार का प्रयोग है। तो तिलंग को अगर जोग से बचाना है दोस्तों, तो मेरे को शुद्ध निषाद का बार बार प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वह जोग से अलग लगे। देखो आप, गामा प नी प गामा ग, ये पूरी जोग है। अब गामा प नी नि सा नी प गामा ग, नि सा गामा प नी सा नी प गामा ग, सा नी प नी सा गामा ग। तो इस प्रकार तिलंग जोग से बच जाएगी। बेंचमार्क क्या ले रहा हूँ मैं, मेरा मतलब मापदंड क्या है, स्वर पहला। अब देखो आप बिहाग, सा ग म प ग म ग ग म प म प ग म ग सा नी प नी सा ग सा, है कि नहीं। अब ये जोक से भी मिल रही है, तिलंग से भी मिल रही है, और खमाद से भी। कैसे बचाएंगे, तो सा म ग प म प ग म ग प म ग म ग। तीव्र मध्यम का हल्का सा प्रयोग कर दिया जो कि अन्य तीन रागों में नहीं आता, तो बिहाग अन्य तीन रागों से अलग दिखेगी। अब एक और राग खमाज, ग म प ध नी ध प द म ग ग म प ध नी सा नी द प ध म ग, ये खमाज। अब देखो खमाज में जैसे ही मैंने धैवत लगाया, वहाँ से तिलंग हट गई और जोग हट गई। क्यों? क्योंकि साहब धैवत वर्जित है जोग और तिलंग में। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये दोनों रागे तो वैसे ही हट गई, और राग बिहाग जिसमें धैवत का बहुत ही कम प्रयोग होता है, लेकिन खमाज में अच्छे से प्रयोग होता है। फिर भी ग म प ध नी ध प ध म ग, तो खमाज इससे अलग हो गई तीनों रागों से। तो वो स्वर लगाना जो उस राग में नहीं लगता दोस्तों, है कि नहीं। तो इस प्रकार रागों को अलग किया जा सकता है। दूसरा जो मैं एग्जांपल लूंगा दोस्तों, वो लूंगा राग भैरव और गौरी। गौरी एक अप्रचलित राग है, लेकिन भैरव थर्ड का राग है, और मजे की बात दोनों के स्वर एक है। दोनों में रेधा कोमल है, दोनों संपूर्ण जाति का राग है। तो अलग कैसे करेंगे, तो मैंने 114 नंबर का लेक्चर याद करो, वादी स्वर का संपूर्ण ज्ञान। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वादी स्वर से राग ही चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये एग्जांपल समझ लो। भैरव, सा रे रे ग म रे रे सा ग म द द प म प म ग म रे रे सा रे ग म प द द नी सा नी सा द द प म ग म रे रे सा। ये इसका मैंने सिर्फ आपको आरोह अवरोह बताया है। अब एक और राग है गौरी, उसका भी यही स्वर है। अब अलग कैसे करेंगे, वादी संवादी चेंज कर दूं। हम जानते हैं राग भैरव का वादी स्वर कोमल धैवत है, और संवादी है कोमल ऋषभ। ठीक है, लेकिन गौरी का वादी स्वर है सा और संवादी स्वर है प। गौरी की चलन आप खुद देखना, भैरव से आपको अलग ही दिखेगी। एक तो गामा रे सा गामा रा, ये चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि न्यास उस पे सबसे ज़्यादा किस पे होगा, शुद्ध निषाद पे, सा पे, जो कि कम न्यास वाले स्वर हैं भैरव के। अब देखो, सारे गे सारे ने ने सारे गे सारे गे
मागर सारे ने सर अब साप। अब ये साप की स्वर संगति ये भैरव में नहीं आती, साप सापर पाध साप माप माग रे घर सर ने सर ग सा। स्वर तो भैरव की गा रहा हूँ लेकिन चलन से राग अलग हो गया। तो दूसरा मेरा मापदंड क्या बना दोस्तों, दूसरा मेरा मापदंड बना वादी संवादी, क्योंकि वादी संवादी से मेरी चलन चेंज हो रही है ना। एक बहुत अच्छी बंदिश है आगरा घराने की, ए शिव पद अनुराग निजोग परी। अब इससे आप राग की चलन देखो, आप इस बंदिश से आप चलन देखो, ए शिव पद अनुराग निजोग परी धामा पगरे गसारे निसा पाधनी पा। देखो पंचम की पुनरावृत्ति हो रही है क्योंकि ये संवादी स्वर है, और कोमल रे और कोमल ध ये अल्पत्व है इसका, है कि नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा ना, तो इससे आप भैरव अलग दिखा सकते हो गौरी को। तो इस प्रकार गौरी को आप भैरव से अलग कर दिया आपने। एग्जाम्पल नंबर टू, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। तो वादी संवादी चेंज कर दूँ तो आप एक राग को दूसरे राग से बचा सकते हैं। तीसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ विशेष स्वर संगति का। इसमें तीन राग लूँगा मैं, राग जयजयवंती देश और तिलक का मोद। देखिए तीनों का जो थाट है वो है खमाज, और तीनों में देश अंग। अब देश में तो देश अंग आएगा ही, तिलक कामोद में भी आता है, जयजयवंती में भी आता है, तो बचाएं कैसे, तो विशेष स्वर संगति। अब देखो देश अंग रे मा पा रे मा पा दा मा ग रे ने दा पा रे मा पा नि सर नि धा पा धा मा ग रे ग सा। अब यही अंग जयजयवंती में भी है, रे मा पा धा गा मा रे मा पा नि सर नि धा पा धा मा ग आता है, और यही अंग तिलक का मोद में भी है, सारे ग पानी सारे ग सारे अमा पा रे अमा पानी सा। तो अलग कैसे करें, तो हर राग में एक उसकी विशेष इंडिविजुअलिटी होती है जो उसको अन्य रागों से अलग करती है। ऐसे आप अलग कर सकते हो, जय जयवंती रे ग रे नि सा द नि रे रे ग रे नि सा रे नि ध नि रे। इससे देश अलग तिलक कामोद अलग। देश को जय जयवंती और तिलक कामोद से कैसे बचाओगे, वो तो वैसे ही बच जाएगा, रे मा पा नि सा रे नि ध पा ध मा ग रे ग नि सा प नि सा रे मा पा ध मा ग रे ग नि सा। इसके आधार पर ये दोनों राग चल रहे हैं, तो ये रागांग राग है, बाकी के तो राग भूत राग है, तो ये तो वैसे इंडिपेंडेंट विचरण करेगा, इसमें अन्य राग की छाया नहीं आ सकती। हाँ खमाज का अंग जरूर आता है इसमें, धमा गरे, क्योंकि खमाज रागांग राग है, उपरागांग राग देश, देश से फिर बाकी तिलक कामोद और जय जयवंती। आई होप आपको समझ आ गया। अब देखो आप राग तिलक कामोद, मा पहनी सा, ये अंग तिलक कामोद में आता है, लेकिन सा सा पदा मागा। अब ये सा पदा मागा साप आ रहे हो कि नहीं आ रहे, ये किसी भी राग में नहीं आता, और मेंड के रूप में साप ये नहीं, सा पदा मागा सारे प मागा सारे ग सनी पानी सारे ग सा। अब ये सारे ग सा ये भी इसकी एक विशेष स्वर संगति, और सारे प ये कामोद अंग है, सारे प मागा सारे ग सनी पानी सारे ग सा, ये तिलक कामोद का विशेषण। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया, विशेष स्वर संगति एक उस राग में जरूर आपको मिलेगी, वो आपको मनन चिंतन से खोजने की, यार ये अन्य राग में तो नहीं आती, तो इससे मैं और रागों से बचा लूँगा। तो आई होप आपको ये तीन एग्जांपल बहुत अच्छे से लगे। एक बार वापस मैं रिकैप करता हूँ, पहला एग्जांपल आधार लिया स्वर को, जिसमें चार हमने रागे देखी, जोग तिलंग खमाज और बिहाग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया वादी संवादी में चेंज कर दूँ तो राग आप बचा सकते हैं।
इसमें एग्जांपल दिया भैरव और राग गौरी का। तीसरा एग्जांपल दिया देश तिलक कामोद और जय जयवंती, उसमें विशेष स्वर संगति पे अगर हम फोकस करें तो दूसरी रागें अपने आप अलग दिखती रहेंगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा, इसको आप अप्लाई करके देखेंगे और एक राग की इंडिविजुअलिटी आप बना कर रखेंगे, तभी वो शुद्ध शास्त्रीय संगीत कहलाएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आज तक पूरे YouTube में डिस्कस नहीं हुए हैं। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे ही आता रहूँगा। ओम शांति।